अपनी जगह से अपनी जगह खड़े रहे, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सब लोग। आउटसाइड एज, स्लिप के फील्डर उछले, लेकिन क्योंकि ये फ्लैश होकर स्ट्रोक किया था इसलिए नहीं पहुंच सके। मुतवातिर तीन चौके आफ्ताब करशी रावलपिंडी रैम्स के ओवैस की मार्फत, और ये गेंद आया बाउंड्री तक पहुंचेगी। जी हां, ये चौथा चौका ओवैस दिया का, अपने बैट का फेस उन्होंने जरा सा ओपन किया और इस फील्ड को बीट किया पूरी तरह। शानदार पावर ड्राइव, एक और क्रिकेट चौका, पांच चौके पहले ओवर में ओवैस ध्यान में लगाए, और यहां पर मौजूद तमाशाई उनको मुतवातिर दादो तहसीन से नवाजते हुए आफ्ताब करशी रावलपिंडी रैम 20 पर कोई नहीं। गेंद आगे पिच हुआ हुआ उसका भरपूर फायदा उठाया ओवैसिया ने, और बहुत ही स्वीट टाइम किया है कवर बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए। स्लिप से फील्डर को हटाया गया, इस मरतबा हवाई सफर पर और आसानी के साथ बाउंड्री को क्लियर किया। गेंद स्टैंड के सामने, ये पहला छक्का ओवैसिया का, और नेशनल स्टेडियम कराची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इस दफा बड़ा अच्छा टाइम किया, थोड़ा सा ऑफलाइन हुए सरफराज अहमद यहाँ पे, और उसका भरपूर फायदा उठाया, विकेट कवर की और बहुत अच्छा रूम बनाते हुए इसको स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। अब से एक बरस पहले ओवैसिया ही वो बैट्समैन थे जिन्होंने स्टैलियंस की बॉलिंग को चैलेंज किया था लाहौर में, लेकिन आज वो कराची में भी इन बॉलर्स का वही हशर कर रहे हैं जो कज़ाफी स्टेडियम में किया था। मुतवातिर दूसरा छक्का ओवैसिया का, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर से गए, सनसनी केस बैटिंग आफ्ताब करशी रावलपिंडी रैम्स की। इस दफा भी थोड़ा ऑफलाइन हुआ है, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफलाइन गेम, विकेटें कवर की और बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। किया डीप स्क्वायर लेग के हाथों में, कैच आउट हो गए, अली खान ने कैच पकड़ा।